भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी भाजपा की लाइन से अलग हटकर पृथक विंध्य प्रदेश का राग अलाप रहे हैं। बीते दिनों पार्टी की तरफ से इस मसले पर नारायण त्रिपाठी को नसीहत भी दी गई थी, लेकिन इसका उन पर कोई असर नजर नहीं आ रहा। पृथक विंध्य प्रदेश के मसले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विधायक नारायण त्रिपाठी को समझाई दी थी, लेकिन त्रिपाठी पर इस नसीहत का कोई असर नजर नहीं आया है। भोपाल के बाद उचेहरा में नारायण त्रिपाठी एक बार फिर पृथक विंध्य प्रदेश की मांग के समर्थन में नजर आए। उन्होंने कहा, हम कोई नया विंध्य प्रदेश नहीं चाहते, हमारा पुराना विंध्य प्रदेश ही वापस किया जाए। उन्होंने कहा, युवा इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। 3-4 लाख के करीब हमारे विंध्य प्रदेश के लोग रहते हैं और अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। रीवा का आदमी, विंध्य का आदमी जहां भी होगा, वो अपने आप में सक्षम है कि अपना संगठन बनाएगा और राजनीति करेगा। विंध्य का आदमी कहीं मौन नहीं रह सकता, तो राजधानी में भी मजबूती के साथ विंध्य का आदमी बड़े सक्षम रूप में रहेगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।